नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक पे। मैं हूँ भावना शर्मा, रोज आपके लिए लेकर आती हूँ आपकी राशियों का हाल। आज 8th ऑफ मई है, इसी के साथ ट्यूसडे यानी कि मंगलवार का दिन है। बताऊंगी आपके लिए दिन कैसा रहेगा, बताऊंगी आपको खास उपाय, लेकिन उससे पहले अगर बात करें मंगलवार के दिन की, हनुमान जी की पूजा की जाती है मंगलवार के दिन। वैसे तो रोज ही हनुमान जी की पूजा करना बहुत लाभदायक रहता है, लेकिन मंगलवार का दिन और शनिवार का दिन बहुत खास माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में शनि की ढैया या साढ़े साथी है, शनि के दुष्प्रभावों से आप परेशान हैं, तो मंगलवार के व्रत करना भी बहुत प्रभावशाली रहता है, बहुत ही ज़्यादा एक तरह से आपके लिए पॉजिटिव रहता है। इसके अलावा हनुमान जी की पूजा की खास विधि है, हनुमान जी की पूजा बहुत सावधानियों के साथ करनी चाहिए। अगर आप हनुमान जी के लिए मंगलवार के उपवास रख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा शुद्धता को मेंटेन करना ज़रूरी है। 21 मंगलवार आपको व्रत रखने चाहिए। अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब है, मंगल की स्थिति खराब है, मंगल नीच का है या मंगल आपका अस्त है, तो 21 मंगलवार के व्रत रख लेना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। दूसरी चीज़ यह है कि आपको हनुमान जी की मूर्ति अगर आप अपने घर में लगा रखी है तो हमेशा हनुमान जी को साउथ फेसिंग लगाना चाहिए। साउथ फेसिंग हनुमान जी की दिशा होती है। अपने घर में इस तरह से मूर्ति लगाइए कि उनकी जो फेसिंग है वो दक्षिण दिशा की तरफ रहे। दूसरी चीज़ ये है कि हनुमान जी की मूर्ति किसी भी नवविवाहित जोड़े की या किसी के भी बेडरूम्स में नहीं प्लेस करनी चाहिए। इसके अलावा जैसे कि हम मंगलवार की बात कर रहे हैं, तो मंगल अगर आपकी कुंडली में आपको परेशान कर रहा है, किसी का अगर मांगलिक योग भी है, उसको भी हनुमान जी की पूजा मंगलवार के दिन करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है और चोला चढ़ाना हनुमान जी को बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो चलिए आज बताऊंगी आपको आपके दिन का हाल, साथ ही मैं बताऊंगी आपको कुछ खास उपाय। शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि वाले लोगों के साथ। फर्स्ट कार्ड निकल रहा है आप लोगों के लिए द लवर्स एंड द सेकंड कार्ड इज द मून। तो आज के दिन में एक तरह से पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। छोटी सी नेगेटिविटी है, पहले वो बता देती हूँ कि कहीं ना कहीं पे आपके लिए मन में बहुत ज़्यादा असंतुलन रहेगा। आप सोचेंगे कुछ और करेंगे कुछ, तो इस असंतुलन को ठीक रखने के लिए एक छोटा सा उपाय, बिकॉज द मून कार्ड निकला है, चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाकर ही आप घर से बाहर जाएं और अपने पैर को राइट पैर आप घर से बाहर निकालें, आपका काम भी बनेगा, पूरे दिन आपके मन में भी पॉजिटिविटी रहेगी। दूसरा कार्ड जैसे मैंने कहा द लवर्स निकला है, तो आज के दिन में आपके कारोबार में, आपके व्यवसाय में बहुत स्थिरता दिखाई दे रही है। हर चीज़ के प्रति आपकी क्षमता बढ़ेगी और आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिससे कि लोग आपसे कहीं ना कहीं पर बहुत आकर्षित रहेंगे। आज के दिन के लिए छोटा सा उपाय, हनुमान चालीसा का पाठ शाम के समय आप करेंगे। देखिए, जब भी आप हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करते हैं, एक छोटी सी चीज़ आपको बता दूं कि हनुमान जी भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे और भगवान राम की उपासना वो दिन के समय में करते हैं, तो कभी भी आप हनुमान जी की उपासना कीजिए हमेशा शाम के समय करनी चाहिए या फिर ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्योदय से पहले करनी चाहिए, जो तकरीबन 4 बजे का समय होता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप चोला चढ़ाते हैं हनुमान जी को, आपका जो मंगल है वो अस्त है आपकी कुंडली में या फिर नीच का है, तो आप चोला चढ़ाइए, लेकिन आप ब्रह्म मुहूर्त में चढ़ाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हनुमान जी को चोला हमेशा सुबह के समय चढ़ाया जाता है, लेकिन उनकी उपासना, उनका नाम जपना या हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ हमेशा शाम के समय करना चाहिए। चलिए अब आगे बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। टॉरेंस के लिए फर्स्ट कार्ड निकल रहा है द क्वीन ऑफ कप्स एंड द सेकंड कार्ड इज द वर्ल्ड। आप लोगों के लिए आज कंप्लीशन दिखाई दे रही है, हर काम में आज जो डिलेज थे वो खत्म हो रहे हैं, लग्जरीज को एंजॉय करेंगे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का दिन है। लेकिन एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं रहेगा तो किसी भी काम में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज के दिन के लिए छोटा सा उपाय, शाम के समय आप बजरंग बाण का पाठ कर लेना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ऐसा करने से आपको एक तरह से जो बिना बात का जो भय है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। जेमिनाइज की बात कर लेते हैं, फर्स्ट कार्ड निकलता है पेज ऑफ कप्स एंड द सेकंड कार्ड इज टेन ऑफ वॉन्स। तो आज के दिन में आप जो भी काम करेंगे उसके रिजल्ट्स आपको पॉजिटिव मिलेंगे, लेकिन एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखेंगे कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे और लोगों के सामने आप एक तरह से कॉन्शियस नहीं हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका जितना आप सोच रहे हैं, जितना आप इनपुट डाल सकते हैं उतना भी नहीं कर पाएंगे। तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना पहली चीज़ छोड़ दीजिए। आज के दिन में अगर बात करें रिलेशनशिप्स की, तो आज आपके सहयोगी, आपके परिवार के जो लोग हैं से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा आज अच्छा नहीं रहेगा, तो कोशिश करें इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना अच्छा दिन नहीं है। तो जेमिनाइज के लिए आज के दिन का उपाय रहेगा, लाल रंग की रोली से अपने माथे पर तिलक लगाकर ही किसी काम के लिए आप बाहर जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए बात कर लेते हैं कैंसरियंस की। फर्स्ट कार्ड निकल रहा है कैंसरियंस के लिए, इट ऑफ वांड्स, एंड द सेकंड कार्ड इज किंग ऑफ कप्स। तो आज का दिन बहुत पॉजिटिव सोच आपकी रहेगी, काफ़ी ऊपर की और काफ़ी आगे की सोच आप रखेंगे अपने दिमाग में। आज जितना आप इनपुट करेंगे उतना ही आपको आउटपुट भी मिलेगा। छोटी सी चीज़ का ध्यान रखेंगे, आज किसी से भी ट्रांजैक्शन करते वक्त, मनी ट्रांजैक्शन करते वक्त, कोई भी लेन देन करते वक्त काफ़ी सावधानी बरतनी होगी। साथ ही में आज पूरा अपने आप को पूरे काम के लिए, किसी भी काम के लिए आप सेल्फ डिपेंडेंसी को मेंटेन कीजिए। दूसरे लोगों के ऊपर अपने काम के लिए डिपेंड होना आज अच्छा नहीं है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप धोखा खा सकते हैं। छोटा सा उपाय कर लीजिए, आज हनुमान जी की उपासना करिए और आप कोशिश करें 12 बजे से पहले पहले आप हनुमान जी को रोट का भोग लगा लीजिए। मीठी रोटी होती है उसका आपको भोग लगाना है। ऐसा करने से आपके जीवन में जितना परिश्रम आप करते हैं, जितनी मेहनत आप करते हैं, अगर आपको उसका फल नहीं मिलता तो फल मिलना शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लियोस की बात करते हैं। लियोस के लिए फर्स्ट कार्ड निकल रहा है सिक्स ऑफ पेंटैकल्स, एंड द सेकंड कार्ड इज थ्री ऑफ पेंटैकल्स। तो आज पैसे से जुड़े हुए मामले में आपको बहुत सोच समझ कर डिसीजंस लेने हैं। जी हाँ, आज के दिन में आप लोगों के लिए फाइनेंसिस को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कि आपके डिसीजंस का इंतज़ार कर रहे हैं और काफ़ी हद तक आपके ऊपर काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आज बढ़ भी सकती हैं। अगर बात करें घर परिवार की, तो आज आपके रिलेशनशिप्स में अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। कोशिश करनी है कि आप खुद से इन चीज़ों को मैनेज करें, बजाय कि दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट होने के। आज के दिन में उपाय क्या करना है, किसी भी राम मंदिर में चले जाइए, वहाँ पर जाकर आपको हनुमान जी के चरणों से तिलक लेकर के अपने माथे पर लगाना है। ऐसा करने से आपकी जो नेगेटिव सोच है ये खत्म होगी। बात करते हैं वर्गोस की। वर्गोस के लिए फर्स्ट कार्ड निकल रहा है द हर्मिट, एंड द सेकंड कार्ड इज नाइट ऑफ पेंटैकल्स। तो आज जोर शोर से मेहनत करेंगे, सुबह का समय बहुत एनर्जी वाला रहेगा, लेकिन शाम होते होते थकान भरी महसूस करेंगे आप। आज के दिन में कोशिश करनी है आपको, आप अगर जॉब कर रहे हैं या फिर आप जॉब को चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, इसे थोड़ा सा सीक्रेसी मेंटेन कीजिए। इसे बहुत जल्दी किसी से आप शेयर मत कीजिए इस बात को, क्योंकि लोग आपका आज फायदा उठा सकते हैं या आपकी बातें जो हैं लीक हो सकती हैं, जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों का ध्यान दीजिए। दूसरी चीज़ है, जैसे मैंने कहा द हर्मिट कार्ड निकला है, तो आज आपके मेंटोर्स पूरा साथ देंगे आपका। साथ ही में आपके जो माता पिता के साथ जो आपका सहयोग है वो आपको मिलेगा। अभी तक अगर किसी बात से सहमत नहीं हो पा रहे थे, तो आज आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपकी बातों से सहमत रहेंगे। छोटा सा उपाय करना है आपको, हनुमान जी के किसी भी मंदिर के दर्शन आपको करने हैं, उनके शिखर के दर्शन आपको करने हैं। ऐसा करने से आपके विरोधी परास्त होंगे। बात करते हैं लिब्रंस की। लिब्रंस के लिए फर्स्ट कार्ड निकल रहा है नाइट ऑफ वंड्स, एंड द सेकंड कार्ड इज पेज ऑफ पेंटैकल्स। तो आज का दिन जो है, आपको कला के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा दिन है, क्योंकि आज अपॉर्चुनिटीज़ कई सारी दिखाई दे रही हैं आप लोगों के लिए। ट्रैवलिंग के प्लान्स भी दिखाई दे रहे हैं, ट्रैवलिंग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फलदायक रहेगी। इसी के साथ, अगर अपने काम को एक्सपैंड करना चाहते हैं, बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, उसके लिहाज से आज का दिन बहुत ही अच्छा है, या नए कार्य की शुरुआत करना भी काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। उपाय क्या करना है, आज जैसे कि मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है, इसी के साथ साथ आज आपको भगवान विष्णु की उपासना करना भी बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। भगवान विष्णु की उपासना करनी है, उनके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको करना है आज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं स्कॉर्पियंस की। फर्स्ट कार्ड निकलता है स्कॉर्पियंस के लिए एट ऑफ पेंटैकल्स, एंड द सेकंड कार्ड इज एट ऑफ सोर्ड्स। तो आज काम के बीच में अड़चने बहुत ज़्यादा आएंगी, बल्कि आपकी वजह से नहीं, दूसरे लोगों की वजह से। इसी के साथ साथ जितना आप काम कर रहे हैं, जितना आपको एक्सपेक्टेशन है, आज हो सकता है उतने रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पाए। साथ ही में सीनियर्स के साथ भी कुछ ना कुछ खटपट हो सकती है। अगर बात करूँ आपकी पर्सनल लाइफ की, तो पर्सनल लाइफ में लेकिन आपके लिए जो दाम्पत्य जीवन है उसमें मधुरता आएगी, लेकिन आपके जो लाइफ पार्टनर हैं बहुत सारी चीज़ें आपसे ही उम्मीदें रखेंगे, आपसे ही एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी। तो उस तरीके का तालमेल बना पाना, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर बात करें आज स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए आज फोकस बना पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। छोटा सा उपाय कर लीजिए, आप लोग ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे और सुबह उठ करके आप कोशिश करें अर्ली मॉर्निंग इस उपाय को करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ओम मंत्र के उच्चारण के साथ इस मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में आपको कम से कम 10 मिनट बैठना है। ऐसा करने से फोकस आपका बहुत क्लियर हो जाएगा, विजन आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सजिटेरियंस की बात करते हैं। फर्स्ट कार्ड इज द सन, एंड द सेकंड कार्ड इज फोर ऑफ पेंटैकल्स।
स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है सैजिटेरियंस के लिए एंड द सेकंड कार्ड इज सन, दैट मींस ब्राइट और सनी डे दिखाई दे रहा है। तो आज का दिन बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छा है, घूमने फिरने जा सकते हैं फैमिली के साथ, साथ ही में फाइनेंसिस में स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है, आर्थिक समस्याएं आज खत्म होंगी, लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। धनु राशि वालों के लिए बहुत ही परफेक्ट दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है, वीजा प्रोसेसिंग अगर अभी तक अटकी हुई थी वो पूरी हो जाएगी, विदेश जाने के प्लान्स भी बन रहे हैं। छोटा सा उपाय कर लीजिए, आज के दिन में हनुमान जी की उपासना आप शाम के समय करेंगे, बजरंग बाण का पाठ करेंगे। ऐसा करने से आप लोगों के लिए अगर कोई किसी तरह की कोई बैक बचिंग कर रहा है, किसी तरह की कोई एक नेगेटिव प्लानिंग्स कर रहा है आपके लिए, ऐसे लोग परास्त होंगे। बात करते हैं कैप्रिकॉर्न्स की। फर्स्ट कार्ड निकलता है द जजमेंट एंड द सेकंड कार्ड इज टू ऑफ सॉर्ड्स। तो आज का दिन कैप्रिकॉर्न्स को थोड़ी सी माइंड में क्लैरिटी नहीं बना पाएंगे, आज के दिन में कहीं ना कहीं भी कन्फ्यूजन्स दिखाई दे रही हैं एंड द सेकंड कार्ड इज जजमेंट। तो आज नेगेटिव और पॉजिटिव में फ़र्क करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, काफ़ी सारी चीज़ें आपके ऊपर रिलाई ऑन करेंगी, डिसीजंस आपके ऊपर रिलाई ऑन करेंगे, एक तरह से मेन अथॉरिटी आपके हाथ में रहेगी आज। तो कोशिश करनी है कि आप पॉजिटिविटी से ही सोचें, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच भी दिमाग में हो उससे आपके आने वाले फ्यूचर भी उसमें भी कहीं ना कहीं पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो आज कोशिश करनी है अपनी सोच जो है उसे पॉजिटिव बनाना है। छोटा सा उपाय कर लीजिए, अपने घर की जो क्लीनिंग कराएंगे उसे आप नमक के पानी से करा लीजिए, सॉल्ट वाटर थेरेपी आज ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, साथ ही में अपने नहाने के पानी में भी एक चुटकी नमक आज ज़रूर मिलाइए। आगे बढ़ते हैं क्वेरेंस की बात करते हैं। फर्स्ट कार्ड निकल रहा है एक्वेरियंस के लिए देयर वाज अ फूल एंड द सेकंड कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। तो आज एक्वेरियंस जो हैं बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ेंगे, बिकॉज द रिवर्स ऑफ फूल आया है, दैट मींस आज जो डिसीजंस हैं बहुत सोच समझ कर लेंगे, जिसकी वजह से उसमें आपको फ़ायदा भी मिलेगा, लाभ के योग बन रहे हैं। साथ ही में जो लोग क्लॉथिंग के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, कपड़े के व्यापार से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा दिन है, क्योंकि आज लाभ के योग बन रहे हैं, और ख़ासतौर पर अगर आज कोई डील्स फाइनलाइज करते हैं तो उसमें आपको आर्थिक समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी, काफ़ी समय से अटका हुआ कोई काम है, रुका हुआ कोई काम है, वो आपका पूरा हो जाएगा। सेकंड कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, दैट मींस आज प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा दिन है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा दिन है, आप लोगों को आने वाले समय में उसका अच्छा रिजल्ट, अच्छे फल मिलेंगे। आज के दिन के लिए छोटा सा उपाय कर लीजिए, लाल रंग का इस्तेमाल कर लीजिए या लाल रंग के आसन पर बैठ करके आपको ओम मंत्र का उच्चारण करना है। ऐसा करने से आपके जीवन की समस्याएं तो खत्म होंगी, साथ ही में आज के दिन में किया गया कोई भी काम आपको फायदा देगा। चलिए बात कर लेते हैं पाइसेंस की। फर्स्ट कार्ड निकल रहा है पाइसेंस के लिए द एम्परर एंड द सेकंड कार्ड इज द रिवर्स ऑफ टावर। तो पहली चीज ये है कि आज बहुत फर्म डिसीजंस लेने हैं, डोंट मेक एनी हेस्टी डिसीजंस टुडे, जल्दबाजी में किया गया कोई भी फैसला आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, बनते हुए काम को भी आपके बिगाड़ देगा। और सेकंड कार्ड इज द रिवर्स ऑफ टावर, तो बहुत एज पोजिशन से आज आप बचे हैं लॉसेस के होने से, बिल्कुल लॉस आज आपका दिखाई दे रहा है, मनी लॉसेस, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप उससे बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना है, आज के दिन में कोशिश करें इन्वेस्टमेंट ना करें तो बेहतर है, और कोई बड़ा अगर ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं आज ज़रूरी ही है तो शाम को 4 बजे के बाद कीजिएगा। छोटा सा उपाय कर लीजिए, आज हनुमान चालीसा का पाठ आपको शाम के समय करना है, साथ ही में घर के ईस्ट डायरेक्शन में आपको या घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लैवेंडर एसेंस का प्रयोग करेंगे। आपके विरोधी या आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं कहीं ना कहीं पर आपको नुकसान पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं वो परास्त होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात और कल भी जानेंगे आपके दिन का हाल, तो इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा और अभी मुझे दीजिए इजाज़त, और एस्ट्रो तक से आप ज़रूर जुड़े रहिए, एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। नमस्कार।